बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर टू का हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो था हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, वो टर्म्स जो कि मोशन के साथ रिलेट करती हैं। हमने इससे पहले जो थी फोर टर्म्स को स्टडी कर लिया था, आज उसकी लास्ट टर्म जो है वो स्टडी करेंगे, वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। उससे पहले हमने बात की थी वेलोसिटी की, कि हमारे पास कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, उसके ऐसे यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा या एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो एक सेंटेंस के अंदर, तो वो हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम वैसे ही कहें कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। जैसे ही किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी आपकी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं कि बुक में इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या दी हुई है, किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है एक्सेलरेशन को। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का जो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जिस रेट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब हमने पढ़ना ये है कि वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे चेंज होती है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या थी, स्पीड। स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन उसकी मेंशन करते, डायरेक्शन का इजाफा कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो चीज़ हमारे पास वेलोसिटी कहलाती है। मतलब वेलोसिटी हमारे पास क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। अब वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है वो किस तरह से आ जाता है, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है उसके तीन तरीके हैं, मतलब तीन तरह से एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। अब चेंज इन वेलोसिटी जो है चेंज जो है हमारे पास तीन तरह से आ सकता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, चेंज इन स्पीड। सेकंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन डायरेक्शन। थर्ड पे हमारे पास आ जाएगा चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो तीन तरह से चेंज हो सकती है। अगर उसकी स्पीड चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी फौरन से। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है, वो टर्न लेता है या किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो एवरी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, इट्स मीन वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है।
थर्ड पॉइंट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और उसकी स्पीड भी, तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। स्पीड कम ज्यादा होगी, वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। डायरेक्शन चेंज हुई किसी ऑब्जेक्ट ने, उस मूविंग कार ने टर्न लिया, उसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज हुई, उस वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। दोनों चेंज हो रहे हैं तब भी वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन क्लियर हुआ कि हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमने अगर एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना हो कि हमारे पास वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वेलोसिटी में चेंज की वजह से वो कितना है, तो उसके लिए फार्मूला देखते हैं हम कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा। उसका फार्मूला हमने उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है किसकी इक्वल आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर क्या आ जाएगा, टाइम। कि टाइम रेट हमारे पास क्या होता है कि हमने उसको टाइम से डिवाइड करना है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब आपने किसी भी चीज की चेंज कैलकुलेट करनी हो तो वो हमारे पास क्या होती है कि आप चेंज ले रहे हैं किसी भी, तो हम क्या करते हैं कि चेंज क्या होती है कि इनिशियली जब उस इब्तदाई तौर पे जब उसने कोई भी काम स्टार्ट किया होगा, मतलब कार ही हम ले लेते हैं कि पहले जो कार थी यहाँ पे कार, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, कार थी, ये पहले क्या कर रही थी, रेस्ट पे थी, मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड कह लें, वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी, मतलब ज़ीरो से उसने स्टार्ट किया। अब वो क्या हुआ है, ये उसकी इनिशियल थी, अब उसने मूव करना शुरू कर दिया है। अब कहीं पे जाके हम चेंज ले रहे हैं, वो चेंज कैलकुलेट करनी, मतलब पहले इतनी थी, उसके बाद कुछ देर के बाद हमने देखा तो वो जो गाड़ी हमारे पास मूव कर रही थी उसकी हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, मतलब फाइनल उसको नाम देंगे, वो हमारे पास क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल उसकी वेलोसिटी है। मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले इनिशियली वो कुछ और होता है, फाइनल यहाँ पे जाके वो रुकता है, वो कुछ और होता है। तो चेंज जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि फाइनल में से इनिशियली जो है चीज़ वो उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज फाइंड आउट करना है। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, ओवर टाइम। अब एक्सेलरेशन जो है उसको हम क्या करते हैं कि स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं, फाइनल को वी एफ, वी आई, ओवर टाइम को टी से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूला के थ्रू हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा वेलोसिटी में चेंज की वजह से, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें वेलोसिटी, पहले जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो वी आई थी, ठीक है, वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड थी। उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो थी वो 4 मीटर पर सेकंड है, और वहाँ पे जो टाइम, मतलब टाइम ड्यूरेशन था, कितने टाइम के बाद, 2 सेकंड के बाद हमने देखा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी थी, तो वहाँ पे चेंज हुई है
एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी 4 है, इनिशियल 0 है, ठीक है, ओवर टाइम हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब हमने कहा था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए उसके यूनिट्स और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए थे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, तो हमें इसके यूनिट भी कैलकुलेट करना पड़ेंगे कि एक्सेलरेशन के यूनिट क्या है। तो यहाँ से हम अगर उसके यूनिट फाइंड आउट करें तो इसके ऐसा यूनिट्स हमारे पास, अगर यहाँ से इसके यूनिट्स फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट, चेंज इन वेलोसिटी है, रहनी तो वो वेलोसिटी है, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, मीटर पर सेकंड, टाइम के यहाँ पे सेकंड है, इसको ऊपर ले जाएंगे मीटर पर सेकंड, ये भी हमारे पास पर सेकंड बन जाएगा। अब बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन के यूनिट क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास उस सब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन को हमने किस टर्म्स में डिफाइन किया है, वेलोसिटी की टर्म में हमने क्या किया है, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है, और वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ती है, तो इट्स मीन वहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये आपने वेक्टर, ठीक है, या इसको बोल्ड कर दें, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे उसकी डायरेक्शन हमें साथ बताना पड़ती है कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जिस तरह से हमने स्पीड और वेलोसिटी को स्टडी किया कि हमारे पास क्या होती है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो इक्वल टाइम इंटरवल के दौरान इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो हम उसकी स्पीड या वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कहेंगे, अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो वो वेरिएबल होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर कोई भी बॉडी है, इसकी डेफिनेशन बुक से ही कर लेते हैं, बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल टाइम इंटरवल के दौरान वहाँ पे जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है वो सेम है तो उसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है यहाँ पे, ठीक है, कार जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इनिशियली हमने इसको क्या किया कि उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी, टाइम वहाँ पे क्या था, 0 सेकंड, इसके बाद हमने देखा कि उसकी स्पीड जो है 1 सेकंड के बाद जो है वो 5 मीटर पर सेकंड हो गई है, 5 मीटर पर सेकंड, इसके बाद सेकंड एक और सेकंड गुजरा, हमने देखा उसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड हो गई है, ठीक है, इसको बल्कि ऐसे लिखते 10 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद थर्ड सेकंड पे हमने देखा कि उसकी स्पीड क्या हो गई है, 15 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्योंकि चेंज लेना है, ये वेलोसिटी है उसकी, हमने चेंज फाइंड आउट करना है, अब यहाँ से अगर इसका चेंज देखें हम, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन चेंज किस तरह से हम फाइंड करते हैं,
कि टाइम से डिवाइड करना होता है। एक्सेलेरेशन यहाँ पे फाइनल 5 है, इनिशियली 0 है, टाइम क्या था 0 सेकंड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 10, उसकी फाइनल है, इनिशियल कितनी है 5, अगला एक सेकंड गुजरा है, ठीक है, टाइम एक एक सेकंड की गुजर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम 1 सेकंड गुजरा है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास अगर हम थर्ड के लिए फाइंड आउट करें तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल 15 है, इनिशियल कितनी है 10 और टाइम 1 सेकंड ही गुजरा है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 मीटर, मतलब चेंज सब देखें यहाँ पे हमने जितनी भी चेंज कि एक एक सेकंड गुजरता जा रहा है और वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा था वो यूनिफॉर्म था, तो वहाँ से जो एक्सेलरेशन आया वो एक यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल टाइम इंटरवल के दौरान जो चेंज है वो इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे हम जो मोशन है ऐसे एक्सेलरेशन को नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अगर इक्वल टाइम इंटरवल के दौरान इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा हो तो वो हमारे पास क्या होगा, उसके चेंज वेलोसिटी के अंदर इक्वल आ रहा होगा तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर हमने पढ़ा उसकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, इसी बेस पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, स्पीड इंक्रीजिंग, जब स्पीड इंक्रीज हो रही होगी इंक्रीजेस, तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको नाम देंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन की बात करें वो होगी सेम एज वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो रही होगी ऑब्जेक्ट की तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम वही होगी जिस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड हमारे पास क्या करती है, डिक्रीज होती है, कम होना शुरू हो जाती है और जो उसकी डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होगी, ऑपोजिट, ऑपोजिट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के हमारे पास क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसे और नाम भी दिया जाता है डीसेलरेशन का और रिटार्डेशन,
ठीक है, डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ये चीज़ एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरा नाम क्या दिया जाता है। ठीक है, तो इसको डीएक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहा जाता है। ये आपकी बुक पे भी ये बताया गया है, पेज नंबर 39 पे। ठीक है, और उसके बाद आपने इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं वो भी करनी, और ये जो है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन ये इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत मरतबा पूछा जा गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आपने बताना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, और जो ट्रैक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में वो क्या था, मूव कर रहा है। और उसके बाद नेगेटिव में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और वेलोसिटी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। ठीक है, यहाँ तक बेटा हमारे पास जो टर्म्स हम स्टडी कर रहे थे मोशन के साथ जो एसोसिएट करती थी वो कम्प्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इनका ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।